राजकुमार जी जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता मानते हैं, इनके कार्यक्रमों से निकलकर जब लोग सड़क पे आते हैं, युवा सड़क पे आता है तो वो पत्थरबाज बन रहा है, वो लूटपाट कर रहा है कारों में। ये सारा जो चरित्र खराब कर रहे हैं और लिमिटेड है और ये आंदोलन कर रहे थे। अब बताइए ये ऐसा ये पुलिस, ऐसी पुलिस चाहिए इनको जो गोली मारे? ये सारे के सारे जो है भ्रमजाल है। राजस्थान में इन दिनों बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी पर लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। एक दिन पहले राजकुमार रावत है जिन्होंने खूब पलटवार किया, सांसद जो मन्नालाल रावत है उदयपुर के, उन पर पलटवार किया, एक ऑडियो पर पलटवार किया और कई सारे आरोप लगाए। हमारे साथ सांसद मन्नालाल रावत जी हैं जिनसे हम बात करेंगे ये क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं। सर, कल भी एक ऑडियो पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि लोग कह रहे हैं कि ऑडियो मन्नालाल जी का है और उस आतंकवादी तक उन्होंने कह दिया कि एक आतंकवादी की तरह है। आतंकवादी तो वो है जो जंगल साफ कर रहा है, आतंकवादी तो वो है जो दरियावत और प्रतापगढ़ के बीच में 1000 बीघा ज़मीन जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट को साफ़ कर दिया और उस पर कब्जा करा लिया है। उस संबंध में वहाँ बहुत सारी चर्चा है, कलेक्टर ने जांच की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बनी है, वो सारी बातें खुल गई और इनकी पोल खुलने लगी है। इनकी ये भी पोल खुलने लगी है कि ये पहले कहते थे आदिवासियों पर IPC लागू नहीं होती, तो इन्होंने काकरी डुंगरी कांड कर दिया, एक के बाद एक करते जाओ और आज वो वापस घूम के आ रहे हैं, थाने के सामने बैठे हैं और फिर कह रहे हैं साहब भला आदमी के खिलाफ FIR करो। ये दोहरा चरित्र है इनका। तो ये पूरा जो भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो जल जंगल ज़मीन का जो आंदोलन चलाया था और जनजातियों की अस्मिता का प्रतीक है कि वो जल जंगल ज़मीन के रक्षक हैं, यहाँ तक कि जन और जानवर जोड़कर सबको ध्यान में रखते हैं, लेकिन ये जंगल साफ करा रहे हैं। ये रिपोर्ट है, ये सारे तथ्य इनके आ चुके हैं, तो ये बौखलाहट में ये बकवास कर रहे हैं। ऑडियो पर क्या कहना है भाई साहब आपका? ऑडियो ये है कि गांव के ठेठ नुक्कड़ पे आके 1000 बीघा ज़मीन पर कब्जे इन्होंने कर लिए, उसमें ग्रामीण लोग बात कर रहे हैं। बात जब कर रहे हैं तो वो ये आ रही है कि जब माथे पड़ने लगे हैं, इनके झोपड़े बना दिए तो झोपड़े हटाओ, इनको झोपड़े हटने चाहिए, नहीं हटने चाहिए जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, फॉरेस्ट साफ किया है। और लोकल कम्युनिटी के खिलाफ ये गोफन लेके चल रहे हैं। BJP के करीब 150 लोग आके दिन रात काम कर रहे हैं, तो उसमें जो गाँव का आदमी जब संवाद करता है तो कहेंगे झोपड़े हटाओ। तो झोपड़े हटाना किसके? जो अतिक्रमी है, जो जंगल साफ कर रहा है, जो बदमाश है, जो बाहरी है, जो लोकल कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो वो झोपड़े नहीं हटने चाहिए। वो तो पुलिस ने हटा भी दिए हैं, वो बाकायदा कलेक्टर ने कार्रवाई की है। आप पर उन्होंने कहा है कि जो बिरसा मुंडा जी का जो कार्यक्रम आयोजित कराया आपने यूनिवर्सिटी में, कि भाजपा नेता उदयपुर में या फिर उदयपुर संभाग में एक भी या तो राणा पुंजा की प्रतिमा लगा दे या फिर बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा लगा दे। उनको ये समझना चाहिए कि जनजातियों की अस्मिता के प्रतीक हैं भगवान बिरसा मुंडा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने 2021 में भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। इनको कभी समझ में आया? ये तो चर्च का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, कभी धर्म कोड चाहते हैं, कभी अलगाव की राजनीति करते हैं, समाज में भड़काव पैदा करते हैं, युवाओं को पत्थरबाज बना रहे हैं, युवाओं को शिक्षा से दूर कर रहे हैं। कभी ये कहते थे 8वीं पास सब लोगों को नौकरी कर देंगे, अब नौकरी दे देंगे क्या? सारे लोग इनके घर पे जाके खड़े हो जाएंगे तब क्या होगा? इनके कार्यक्रमों से निकलकर जब लोग सड़क पे आते हैं, युवा सड़क पे आता है तो वो पत्थरबाज बन रहा है, वो लूटपाट कर रहा है कारों में। ये सारा जो चरित्र खराब कर रहे हैं और लिमिटेड है। युवा समाज और क्षेत्र का एक एक नागरिक व्यक्ति ये समझ गया है कि ये भ्रामक है, इनको छोड़ कर जा रहे हैं, ये अकेले पड़ते जा रहे हैं। इस कारण कभी तो ये बालोतरा जाके भाषण ठोक रहे हैं, यहाँ तो क्षेत्र तो खाली हो गया। क्षेत्र में इनका जनमत, इनका जो समर्थन था वो सारा टूटता जा रहा है। और कितने अनुशासनहीन देखिए इनके लोग, कोई तो शिवसेना में जा रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, ये खुद भी लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि जुगाड़ क्या था? ये कहते थे हम आदिवासियों की राजनीति करते हैं। आदिवासी बेटी जब राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के लिए खड़ी हुई तो उनको वोट डाला, तो वोट डालने नहीं गए। फिर बाद में कहे कि साहब हम संविधान के 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। 5वीं अनुसूची बीजेपी ने धरातल पर लागू कर रखी है। सारे सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख सारे ST के बनते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में जो नौकरियां हैं उसमें जनजातियों के युवाओं को रिजर्वेशन है, वो बीजेपी ने लागू किया, इनके हाथ में है कुछ नहीं। अब ये एक भ्रम और फैला रहे हैं, ये कह रहे हैं 6वीं अनुसूची धरातल पर उतारेंगे। 6वीं अनुसूची यहाँ लागू नहीं होती। अब देखिए ये खाली इनके हाथ में एक ही कागज़ रह गया है और वो कागज़ यदि थोड़ा ढंग से देखेगा क्षेत्र और समाज और आप सभी मीडिया के साथी, तो अब पता चलेगा द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची, उसका कागज़ लेके घूम रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जनजाति के लिए अलग जनगणना में एक अलग धर्म कोड चाहिए, वो लेके घूम रहे हैं। किसकी राजनीति कर रहे हैं, किसके इशारों में चल रहे हैं? तो सीधा समझ में आता है कि ये चर्च की राजनीति कर रहे हैं। आपको और बाबूलाल खरेड़ जी को चैलेंज किया गया, अभी चुनाव होते हैं तो भारत आदिवासी पार्टी यहाँ से जीत जाएगी। चैलेंज का विषय नहीं है ये, इनका धरातल खत्म हो गया। तो एक मीडिया में सुर्खियां लेने के लिए थोड़ा कभी कभी शकूबा छोड़ देते हैं, एक बोल देते हैं, और जब कुछ मिला नहीं, अब कुछ है नहीं, दरअसल ख़त्म हो रहा है। और हमने तो ये भी देखा है कि ये जब कुछ बोलना होता है तो कभी तो एक वो हैदराबाद से एक सांसद हैं ओवैसी, उनसे तो मार्गदर्शन लेते हुए नजर आए हैं ये। तो अब देखिए कहाँ जा रहे हैं, इनका चिंतन में क्या रहा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो हिंदू है वही एससी है। पूरे भारत भर का जनजाति समाज और पूरा भारत जो न्याय की बात करता है वो डिलिस्टिंग आंदोलन कर रहा है और ये उसके विरोध में खड़े। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते, ये शिक्षा को नहीं मानते। एक शिक्षिका ऋषभ देव से पढ़ाने के लिए जा रही है, इनके लोगों ने उसको गिरा दिया, बदतमीजी करने की कोशिश की है। ये युवा जो कि देश का भविष्य है, कौशल विकास होना चाहिए, उसको नहीं करते। इनको तो खाली एक भ्रम फैलाना है और एक आंदोलन खड़ा करना है, ऐसा कुछ कथित रूप से इनके इशारों पे कर रहे हैं कि साहब हम तो बस एक अलग भील प्रदेश है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का आया, ये आपकी जानकारी में भी है, 1 अगस्त को आया। वो ये कहता है कि कोटे में कोटा होना चाहिए, क्षेत्र में समाज और युवा और सब लोग जो न्याय चाहने वाले वो लोग ये कह रहे हैं हाँ ये बात तो होनी चाहिए कि यार भीलों को जो है ना वो अलग से कोटे में कोटा रिजर्वेशन होना चाहिए। आपने देखा होगा हरियाणा और यूपी में तो तैयारी भी शुरू हो गई इसकी। और ये महाराज राजकुमार जी जो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता मानते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं साहब भीलों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, भीलों को तो हम अलग प्रदेश बनाएंगे, उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या करेंगे, ये बरगलाने वाला नहीं तो क्या है। जब आरक्षण की बात आई है, संवैधानिक हक की बात है, ये तब हम नहीं देंगे ना, तो हम इसमें डिलिस्टिंग होने देंगे ना हम भीलों को अलग से आरक्षण होने देंगे। फिर ये क्या चाहते हैं, समाज की बात इनको समझ में नहीं आती, युवाओं का हित इनको समझ में नहीं आ रहा है, और जो भारत का मेवाड़ का जो समृद्ध समाज है उनकी संतुलन को नजर नहीं आता है। ये तो बरगलाएंगे, बस आंदोलन करेंगे, भ्रामक बातें करेंगे। और इनको बुलाया जाता है समापन समारोह में मुख्य अतिथि के लिए, और ये पहुँच जाते हैं उद्घाटन सत्र में, नहीं मैं डोरी मैं खींचूंगा, मैं झंडा मैं खींचूंगा। अरे भाई क्या हो रहा है यार, थोड़ा सा तो सदाचार रखो, थोड़ी गरिमा रखो, पदों पे आए हो। ऐसा लगता है कि ये पूरा इनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया है। मुझे लगता है ये केमिकल लोचा है। उन्होंने कहा है कि जो जिस तरह से पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस पर सवाल उठाएं कि गहलोत सरकार के समय भी पुलिस कार्रवाई करती थी, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि जो रिपोर्ट लिखवाने गए विधायक, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उसके बाद प्रदर्शन करने गए, वहाँ से उनको हटाया जा रहा। गहलोत साहब के कालखंड में ये उनके पार्टनर थे, कभी राज्यसभा चुनाव के लिए इन्होंने, और माननीय मालविया साहब तो कहते हैं कि इनको 25-25 करोड़ रुपए भी मिले थे। ये सारे इस पे पब्लिक डोमेन में पड़ा है। और उसी कालखंड में इन्होंने काकरी डुंगरी का कांड किया और जनजाति समाज के 2 होनहार किशोर को गहलोत साहब की सरकार की पुलिस ने गोली मार दी और ये आंदोलन कर रहे थे। अब बताइए ये ऐसा ये पुलिस, ऐसी पुलिस चाहिए इनको जो गोली मारे। ये सारे के सारे जो है भ्रमजाल है, उससे बाहर निकले। इनको अभी देखो होश ही नहीं है करना क्या। अच्छा बड़े बड़े सपने दिखा दिए, कर कुछ नहीं सकते, बस कभी बालोतरा जाएंगे, कभी साहब मनुवादी कहेंगे, कुछ कहेंगे, बाद में जाके फिर वो रविंद्र भाटी के साथ में फ़ोटो खिंचाएंगे, और कभी कुछ किसी को और गाली देंगे, और फिर उसके बाद ओबीसी के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे। और एक वो बालक बुद्धि जिसको कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक वो भाषण दे रहे हैं न्यूयॉर्क में, उनके साथ में जाके पार्टनरशिप करेंगे और उनके पास राजनीतिक रूप से गठबंधन करेंगे और उनके अधिकृत प्रतिनिधि को ही हराएंगे, कांग्रेस का जो है ना उसको हराएंगे। मतलब क्या कुछ का कुछ है ये। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा जो है एक विषम तरह का, इसमें कहीं भी कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे बल्ब हैं, लाइट लगा रखे हैं, लेकिन सारे उल्टे सीधे और बटन ऑन नहीं है, इस टाइप का एक वातावरण नजर आ रहा है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले राजकुमार और रविंद्र सिंह पार्टी और उम्मेदाराम ये एक ही मंच पर देखे गए, उसके बाद रविंद्र सिंह पार्टी ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी राजकुमार के जो सीटें हैं वहाँ पर प्रचार के लिए जाएंगे। आप इस बात को यूँ समझिए कि उनका धरातल मेवाड़ और वागड़ में खत्म हो गया है, इसलिए इन्होंने एक सुरक्षित सीट उधर कहीं टटोल रहे हैं, बालोतरा में और बाड़मेर की तरफ जाके, और वहाँ चर्चाएं हैं कि हमारा हीरो आ रहा है वो वहीं। तो ये मेवाड़ और वागड़ खाली हो गया, खत्म। अब वहाँ जाके करेंगे, इनका खुद का नेता कहता है खत्म, ओके बाय टाटा, वही हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर खत्म हो गया, तो जनमित वहाँ पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और भ्रम यहाँ के खत्म हो गया, इनका सारे भ्रम टूट रहे हैं, चाहे IPC को लेकर हो, चाहे आदिवासी की राजनीति को लेकर हो, 5वीं और 6वीं अनुसूची को लेकर हो, चाहे दूसरे जितने भी हो, वो सारे भ्रम टूटते जा रहे हैं। ये नौकरी दे नहीं सकते, ये किसी के साथ में मुंह धोने से पहले तो गालियां देना शुरू करते हैं। ये तो पर्यटक हैं, कभी लोकसभा कभी विधानसभा, उससे जाने फोटो खिंचाते हैं, वापस आके अपने क्षेत्र में बड़े बड़े बंडल मारते हैं, और इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये एक जनमत इनका जो खत्म हो गया, समर्थन खत्म हो गया, उसको लेकर वहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं। तो ये थे सांसद मन्नालाल रावत जी, जिनसे हमने बात की, क्योंकि इन दिनों सियासत जोरों पर राजस्थान में देखने को मिलती है। मेवाड़ और वागड़ जिसकी चर्चा देश भर में बनी हुई है, आमने सामने पलटवार लगातार होते दिखाई दे रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।